14 चौके और 6 छक्के, सूरज कुमार यादव ने मचाई तबाही। गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 48 गेंदों पर ठोका शतक। बताएंगे दोस्तों पूरी खबर इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को दिल से लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री यानी सूरज कुमार यादव फिलहाल T20 क्रिकेट में ICC के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। उन्होंने कुछ ही सालों में T20 क्रिकेट में इतना नाम कमा लिया है जितना कई बड़े खिलाड़ी पूरे करियर में भी नहीं कमा पाए। सूरज कुमार यादव ने साल 2021 में भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मुकाबले में उन्होंने अपनी पहली गेंद पर इंग्लैंड के तेज तरीन गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर छक्का जड़के अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक उन्होंने एक धांसू पारी खेली। सोशल मीडिया पर उनकी ऐसी ही एक विस्फोटक पारी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है दोस्तों, फैंस जिसे खूब पसंद कर रहे हैं। सूर्या ने 48 गेंदों पर ठोका शतक। पिछले साल जुलाई के महीने में टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर गई थी, जहां टीम इंडिया ने वनडे और T20 सीरीज खेली थी। 3 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया था। सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे चल रही थी। सीरीज का आखिरी मुकाबला ट्रेंट ब्रिज में खेला गया था, जिसमें सूरज कुमार यादव के बल्ले से एक कभी न भूलने वाली पारी खेली गई। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड मलान और लिविंगस्टन की शानदार पारियों की बदौलत 215 रन बोर्ड पर लगाए थे। 216 रन के टारगेट को चेज करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम का टॉप ऑर्डर आते ही बिखर गया, फिर मोर्चा संभाला चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूरज कुमार यादव ने। जी हाँ दोस्तों, सूरज कुमार ने एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाज की जमकर धुनाई की। उन्होंने मात्र 48 गेंदों पर शतक जड़ दिया। सूर्या ने 14 शानदार चौके और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 55 गेंदों पर 117 रन की शानदार पारी खेली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है दोस्तों। बता दें आपको कि फिर भी टीम इंडिया नहीं जीत पाई थी। सूरज कुमार यादव के 117 रनों की शानदार पारी के बावजूद टीम इंडिया इंग्लैंड के 216 रनों के टारगेट से मात्र 17 रन पीछे रह गई। सूरज कुमार यादव के अलावा टीम इंडिया का और कोई भी बल्लेबाज टिकल बल्लेबाजी नहीं कर पाया। उनके 117 रनों के बाद दूसरा उच्च स्कोर मात्र 28 रन था, जो श्रेयस अय्यर ने बनाया था दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये जानकारी? आप भी सूरज कुमार यादव को दोस्तों शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।